बताए थे ना, तो वो बता दी थी मेरे को आकर, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं बोली ना कि चलो वो आ रहे तो और क्या अच्छा है, तो मैं बालकनी में जाकर दो दो तीन तीन बार मैं आपको देखी, आप नहीं आ रहे थे तो मैं वहीं पे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज ये वाला जो वीडियो है ना, हमको पहले ही हंसी इसलिए आ रहा है ना कि ये ना मेरा एकदम मतलब साली जो जीत जो थी वो एकदम सब खराब कर दी थी पिछला वाला ब्लॉग, मैंने उनको बताया था वो उनको बता दी थी, तो ये सीढ़ी पे आके खड़ी थी। पर कोई बात नहीं है गाइज, आप लोगों ने पकड़ भी लिया और उसमें से कितना सारा कमेंट आया है मोए मोए, तो ये सब जो गाइज है मतलब ऐसे सोचे थे कि थोड़ा सा हम भी प्लानिंग करके थोड़ा बनाए, पर ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। ये हमारी धर्म पत्नी जी पूरा का पूरा चौपट कर दी है। इधर आ जाइए। तो सबसे पहले आप लोग लुक देख लीजिए इनका, यहाँ से साड़ी तो जैसे तैसे पहन ली है और बाल आज वॉश हुआ है इसलिए शैम्पू से। तो आप मेरा प्लान क्यों चौपट की? अरे मैं चौपट नहीं की, क्या है ना, आप मेरी बहन को बताए थे ना, तो वो बता दी थी मेरे को आकर, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं बोली ना कि चलो वो आ रहे तो और क्या अच्छा है, तो मैं बालकनी में जाकर दो दो तीन तीन बार मैं आपको देखी, तो आप नहीं आ रहे थे तो मैं वहीं पे खड़ी होकर वेट कर रही थी। ये इतना ज़्यादा सच्चाई करने लग रही है ना कि मतलब क्या बोला, हमको लगा था कि जैसे हम पूजा को बताएंगे तो पूजा मेरे को लेके जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पहले आके पूरा भांडा फोड़ दी थी उसके लिए। अब ये मेरे पे ही प्रैंक हो के अजीब सा लग रहा है एकदम, अब वीडियो जो हम पिछले वाला डाले थे उसके लिए। और अब जो है हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे, और क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम है, मम्मी चली गई, पापा भी चले गए, और हम लोग ही हैं, हम और ये हैं और अंजू भी है। तो अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर में, और ये साड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ शॉपिंग भी हुआ है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बहुत जल्द कि कैसे क्या है, और हम लोग भी आज शाम तक निकल जाएंगे क्योंकि कल हम रात में आए थे तो काफ़ी रात हो गया था, और आज देखते हैं कितने बजे तक निकलते हैं। तो कैसा आज लगा आज? तो आज सो गाइस यहाँ देख सकते हैं, अभी इसके जीजू आए हैं तो इनका नाश्ता निकाल रही है ये मैं तो बहुत खुश हो गई, आए हैं तो देखिए यहाँ से नाश्ता निकाल रहा है, बाकी जो भी उधर दे रही है, अब नाश्ता पानी हो जाएगा उसके बाद खाना के लिए करेंगे, मुझे पता भूख लग गया होगा उन्हें, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी नाश्ता करा देते हैं उसके बाद खाना, जब पानी लेकर आओ फिर उसके बाद। ये डायरी जरूर ले लेना, ठीक है? अच्छा, तो ट्रेन कितने बजे है? 9:30 बजे। कौन सी ट्रेन? मौर्या एक्सप्रेस है। अच्छा चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे सब लोग। और यहाँ मेरा भाई निकल रहा है जो कि नहीं है। बाकी तो बाय। सिर्फ तुम जा रहे हो या फिर और भी कोई? नहीं सिर्फ तुम जा रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरे को अपना लॉक रखना। एक लॉक? हाँ। किसमें किसमें लॉक रखना है? ये लॉक रख लीजिएगा, ठीक है? प्लंबर अभी खराब वराब होगा हाथ लगाने के लिए। क्या खराब होगा? किसका लॉक है? बेड शीट में जो नहीं ड्रॉ है। हाँ। अच्छा, उसका लॉक है ये। तो ये छूट गया था क्या यहीं पे? हाँ, एक्स्ट्रा हो गया था ना। अच्छा, इसलिए वो फिटिंग करने के लिए ठीक रहेगा। तो बंद है ना सब? तो है तो मतलब रख लीजिए, तो मान लीजिए कहीं कोई घूम ही हो गया। मास्टर की है क्या? नहीं, मास्टर की नहीं है, ये सो रहा है अभी। ये मेरी सिस्टर है अंजू गाइस, जो कि नहीं आती है लेकिन नहीं ले रहा है। और बाकी अभी तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, मैं भी चलती हूँ जल्दी से नहा धोवा लूँ, बाकी आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। चलो जी बाय, अब निकलने वाले हो ना? हाँ।
अरे सुनो ना, तू लोग ऐसे भाग क्यों रहा है इधर उधर? तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरी मम्मा जा रही है गांव। तो ये ऐसे मैं शादी से पहले रहती थी, ये कहीं भी जाती थी तो मैं इनका चोटी करती थी। तो आज मौका मिला है, ये गांव जा रही है तो मैं चोटी कर रही हूँ इनका। ये लोग भी अब जस्ट थोड़ी देर पहले निकलेंगे, टाइम हो चुका है इन लोगों का भी। बाकी हम लोग यहीं रहेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। मम्मी आपका चोटी हम करते थे तो शादी से पहले आप मेरे से ही करवाती थी ना, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, क्योंकि इनको मेरे हाथ की ही चोटियाँ इनको पसंद आती थी। अब तो खैर मैं चली गई हूँ तो ये खुद से इनको करना पड़ता है। तो देखिए आप, और क्या, इनका चोटी हो गया, इनका पूरा बाल ही मतलब कि वो झड़ चुका है। तो काफ़ी कम बाल है लेकिन चोटी तो खैर लंबा ही है। तब तक आप लोग बने रहिए। सो गाइस फाइनली अब तो सारा सामान पैकिंग हो चुका है और ये लोग निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ मम्मी है, खड़ी है ये, क्योंकि सारा सामान रखा रहा है तो सब लोग ले जा रहे हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह है या फिर कपड़े वगैरह जो भी कैरी बैग है वो सब जा रहा है। और ये मिठाई, नहीं मिठाई वाला पहले जाएगा, उसके बाद फ्रूट्स वाला। भैया भैया ये दोनों भी जाएगा। तो फाइनली ये भैया ले जा रहे हैं, मेरे भाई निकल चुके हैं, एक भैया हैं तो वो ले जा रहे हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, बाकी यहाँ किचन में तो खाना वगैरह बन रहा है और यहाँ पूजा वाला है हमारा। बाकी तो अब देखते हैं, बस यहाँ मैं, अंजू और फिर वो रुक रहे हैं और एक बाबू है वो रुक रहे हैं, बाकी सब लोग जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए। यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही है, पूजा रेडी कर रही है। तो यहाँ से सामान उतारा जा रहा है और सब लोग भाग रहे हैं। हम को ऐसा लग रहा है भागम भाग में हम कहाँ आए हैं। ये देखो इनको धनिया सिंह को, अरे किलो रख लो जियान होने का फायदा। कौन बोला है? कौन सा झूला है? देखे उसने कहा है ज्यादा दे उधर। अंजू दी, सिवान में बहुत ज्यादा ठंडा है, वैसे धूप हो जा रहा है, रात में ठंडा लगेगा। आपके गांव में ऐसे ही ठंडा पड़ता है, कैसे कि आप लोग बहुत सुखो आता है। बने नहीं जाइए अभी, देखिए तो उधर उधर है ठंडा। राजन से ही पूछ लेते हैं। राजा खाना निकाल, गाड़ी में खाना है के लिए। ये सारा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं खाना भी नहीं खाएगी। ऐसे फ्रूट्स रखा हुआ है फ्रूट्स फ्रिज में, नहीं ठीक रहेगा, वहाँ पे खराब हो जाएगा, सबको दे देंगे ना, ऐसे बटा जाएगा ना। खुश रहिए, ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो हेलो, तो गाइस यहाँ पे विदा हो चुकी हैं। पूजा बगल में अच्छा बैकग्राउंड है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि रंजना अपने भैया के शादी में जो है वो कल या आज निकलेगी, देखते हैं कब निकल रही है। और उसी के साथ साथ रंजना अब तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त लोग भी सुनने आने वाला है क्या? हाँ, वो लोग तो कॉल किए मेरे को और फिर वो लोग बुला रही है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं जा पाऊँ। लेकिन खैर देखते हैं, शादी के आने के बाद हो सकता है, अगर टाइम मिले तो मैं सबसे मिलूंगी और सबको ब्लॉग में भी लूंगी मैं। लेकिन क्या पता कोई कम्फर्टेबल रहेगी, आना रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो तो बात की बात है। लेकिन देखते आज हम लोग कहाँ जाने वाले। वैसे तो हम लोग को आज शाम में निकलना भी है गाँव के लिए, तो अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी कैसा लगा हम आए हैं तो? आप आए तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है।
ऐसा हो सकता है, मतलब कि एक होता है ना कि सबके हस्बैंड आते हैं, तो मेरे भी हस्बैंड आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो एकदम फूले नहीं समा रही हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है आप आए हैं, तो आप नहीं थे तो फिर हमको थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन लेकिन आपको साथ में आते तो, साथ में आते तो ज्यादा अच्छा लगता, दो दिन बाद आए इसलिए कि तुम दो दो दिन आराम की ना, आराम मतलब कि आराम तो वो तो है, वो तो आप भी आ गए तो आराम तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी खैर देरी सही लेकिन आए तो। चलिए गाइस अब आप लोगों को मैं कुछ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो कि आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं शेयर करूँगा, तो आज आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले मैं कुछ एल्बम जो है जो कि हमारे शादी में कौन कौन कैसे क्या था वो सब भी पड़ा हुआ है, देखते हैं वो दिखाते हैं, नहीं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी घर दिखा देते हैं कि कैसा है रंजना का घर। बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को प्यारा सा लगेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी मैं जा रही थी कहीं मार्केट, तो अभी मैं सोची कि मुझे निकलना है तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, अपना साड़ी दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे फंक्शन में, मेहंदी फंक्शन में कुछ साड़ियाँ हैं, तो मैं आप लोग से दिखा रही हूँ, आप लोग बताइए क्या मुझे वो पहनना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। और गाइज ये वाला साड़ी देख सकते हैं कितना प्रीटी लग रहा है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये तो मम्मी जी दी है, ये चढ़ावा पे गया था ये साड़ी, तो आज मैं वेयर की हूँ और एकदम चूड़ी के साथ मैच भी कर जा रहा है। तो हेलो गाइज, मैं आप लोग से बता रही थी ना कि मैं शादी में जो साड़ी पहनने वाली हूँ मेहंदी में, तो वो दिखा रही हूँ, तो चलिए आइए आपको कुछ से दिखाती हूँ। तो कुछ ये साड़ी है जो कि ये काफ़ी मतलब किसी मतलब अच्छा है मतलब मेहंदी वगैरह में पहनने के लिए, और फिर ये ग्रीन तो वैसे सब लोग मेहंदी में पहनते ही हैं, तो इसका ये काफ़ी जो ये आँचल हो गया, तो इसका ये पल्लू जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं ये एडी नग का वर्क किया हुआ है, जो कि ऐसे अभी तो मैं अभी पैकिंग करने वाली थी, तो मैं सोची थी कि चलो इसका क्यों ना सूट कर ले, उसके बाद मैं जल्दी से पैकिंग करूँगी। तो देखिए ये ऐसे कुछ है जो कि काफ़ी अच्छा है, और आप लोग बताइएगा, वैसे तो मेरे पास बहुत मतलब कि एक दो और है जो कि मैं अभी डिसाइड नहीं है कि कौन सा मुझे पहनना है कौन सा नहीं, तो अभी फिलहाल ये दिखा रहे हैं। और गाइज अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो शादी में जाने वाले हैं उनके बारे में, ये मतलब इनके पापा जी और जितने भी लोग हैं अभी सब लोग ज्वाइंट फैमिली है, और इस ज़माने में ज्वाइंट फैमिली का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर इसीलिए गाइज हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन अभी हम लोग सब लोग ज्वाइंट है, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली सब लोग ज्वाइंट है, कभी हम लोग अलग नहीं हुए हैं और ना कभी होंगे, तो ऐसी ही मतलब की है। और गाइस अच्छा, अब आप लोगों को ये भी बात बता देते हैं कि कुछ इसी रीज़न से हम मतलब रंजना भी नहीं सबको रोक पाई है, सब लोग दम हबड़ा गए थे कि मतलब कि जाना है तो जाना है, नहीं तो सब लोग गुस्सा कर रहे थे। तो आप लोग अभी ये साड़ी देख ली, और एक साड़ी है जो कि मुझे पसंद है, आप लोग कमेंट, ये पट्टा उसी का था क्या, इसको क्या बोलते हैं पट्टा बोलते हैं, नहीं नहीं ये रेडी टू वियर का है, तो मैं इसे ना मैं जुगाड़ लगाते रहती हूँ कि हाँ अगर ये साड़ी पहनो तो ये बेल्ट कुछ इस तरीके से कर लगा लो, तो अभी गाइज अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ अच्छा मैं ये लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं ये बेल्ट इसके साथ रख ली हूँ अटैच, और फिर इसका ब्लाउज भी है, तो आप लोग से दिखा रही इस पे इस ये तो ये इसका ये हटा देते हैं, बाकी ये मतलब ये है हम इसको अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, देखिए कुछ ब्लाउज ऐसा, और एक साड़ी था हाँ उस ये दूसरा वाला है, हाँ इस पर मतलब की है कि मैं ये अलग से कपड़ा लेकर बनवाई हूँ ताकि ये हमको मतलब कि जो पसंद आए वो पहन सकते हैं। गाइस ये लड़की पहले साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, अब हर एक फंक्शन में इसको साड़ी ही लेना पड़ रहा है, साड़ी नहीं तो लहंगा, नहीं तो गाइस मैं आपको सच बता दूं ना, मैं ना साड़ी बहुत साड़ी पहनने से मैं भागती थी कि मैं नहीं साड़ी पहनूंगी, लेकिन आज मुझे जिस चीज़ से मैं भागती थी वही आज मुझे पहनना पड़ रहा है, क्योंकि अब शादी हो गया तो, और बाकी ये जो है इसका डिज़ाइन है आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी लग रहा है, इसका लाइटनिंग भी अच्छा है, गर्लिश टाइप का है ये, तो ये पहन सकते ऐसा नहीं कोई भी पहन सकते, लेकिन मुझे भी ये साड़ी से ज़्यादा ये साड़ी मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का भी है और फिर काफ़ी खूबसूरत है, और देख सकते हैं इसका ये वर्क जो है ना धागा का वर्क किया हुआ है,
तो काफी इसका बॉर्डर भी जो है ना वो मतलब कि ज्यादा वो मतलब कि लेंथी नहीं है। और गाइस ये पूरा खुलेगा जब ये पहनेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा पूरा लुक कैसा है। हाँ वो तो आप लोग से मतलब कि ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरे पास मतलब कि कौन सा इस पे ब्लाउज ये डालना सही रहेगा, पहनना सही रहेगा, ये या फिर ये, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं पहनूंगी, दोनों ही ट्राई करूंगी कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं पहनूंगी, तो आप लोग देखना। और एक बात है, चलिए अब तो ये हो गया, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, पर बार बार कॉल आ रहा है इनके भैया का भी जिनका शादी है कि तुम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग की जॉइंट फैमिली है ना, तो और खास करके मुझे भी बोल रहे थे कि उनको वहाँ नहीं जाके यहाँ आना। कैस पता है ये ना, मतलब कि कल आए तो उन लोग को पता चल गया कि क्योंकि ब्लॉग देखते हैं तो उन लोग को पता चल गया, तो वो लोग कॉल किए रात में, तो बोले क्या कि रंजना कल आ रही हो, बाबू आ रहे हैं, इनको सब लोग बाबू बाबू बोलते हैं, तो मेरे घर में भी अब सब लोग इनको बाबू बाबू ही बोलते हैं, तो कल बोले कि आ रहे हो लोग, तो मम्मी बोले कि नहीं, हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग तो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, तो बोलते कि नहीं आना है आना है, सबको साथ में कल ही आना है, तुम क्यों रुक रही हो वहाँ पे। तो अब हम क्या बोले, हम कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि मेरी फैमिली है ना काफ़ी मतलब कि अच्छी है, और फिर सब लोग जा रहे थे तो वो लोग पूछ रहे थे कि अकेले वहाँ रुक कर क्या करोगे, तो अब रुकना पड़ा किसी काम से, तो अब चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।